हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूँ कंपनी लॉ की यूनिट 1 कंपनी एंड इंट्रोडक्शन से रिलेटेड 16 ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया? 1850 में। वर्तमान कंपनी अधिनियम कौन सा है? 2013। सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का संघ कंपनी कहलाता है, यह किसकी परिभाषा है? जस्टिस जेम्स की। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है क्योंकि इसका अस्तित्व केवल विधि की भावना में ही निहित है। एक कंपनी जो निजी है, अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 200। एक निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 2। एक निजी कंपनी के लिए न्यूनतम प्रदत्त पूंजी कितनी होती है? 1,00,000 रुपये। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम यानी कि मिनिमम संख्या कितनी होती है? 7। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? असीमित। एक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम प्रदत्त पूंजी कितनी होती है? 5,00,000 रुपये। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय कब प्रारंभ कर सकती है? व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात। एक सार्वजनिक कंपनी समाप्त हो सकती है यदि उसके सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 से भी कम हो जाए। एक कंपनी जिसके 51% से अधिक अंश सरकार के हाथ में है कहलाएगी सरकारी कंपनी। एक निजी कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है समामेलन के तुरंत बाद। एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय कब कर सकती है? व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र के पश्चात। जिस कंपनी के 51% अंश सरकार के हाथ में हो उस कंपनी को कहा जाता है सहायक कंपनी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।